तो हेलो, कैसे हो सारे? आप सबका स्वागत है हमारे आज की न्यू वीडियो में। मेरे 40,000 सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ 700 सब्सक्राइबर्स बाकी है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपनी आज की वीडियो को अपन कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात करने वाले अपर टीम एक्सपाक एंड टीम जीरो के बारे में। तो मोगैम्बो जब लाइव आए थे तो उनसे पूछा जा रहा था कि भाई टीम जीरो की पूरी लाइनअप क्या है, तो इस पर उन्होंने रिप्लाई किया था। एंड अभी टी एक्स के अराउंड बहुत ज़्यादा रूमर्स चल रही है तो उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफाई करा था। तो उनका पूरा रिप्लाई टीम जीरो, टीम एक्सपाक एंड स्काउट के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। टीम जीरो में कौन कौन है? टीम जीरो में गाइस अभी फिलहाल के लिए है स्काउट भाई, काइलो, सैयद, एडी और दक्ष। ये पांच लोगों का लाइनअप है, तो ये पांच अभी खेलने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो बाकी कुछ चेंजेस होगा तो वो स्काउट भाई खुद बता देंगे आपको। बूट कैंप का भाई अब फिर से बता, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ, जितने लौंडे सारे अपने घर गए हुए हैं मास्टर सीरीज के बाद सारे जाएंगे बूट कैंप। सुन लिया भाई? ये बता, मैं इजी बोल रहा था निंजा सोल में जाता अगर अगर विजय विन नहीं करते तो क्या ये सच? अरे भाई तुम कोई कुछ भी बोलेगा कैसे समझ लोगे यार? जब तक जो बंदा है वो नहीं बोलेगा कैसे तुम लोग सबकी सच मान रहे हो? स्काउट भाई कब करेंगे स्ट्रीम? बिग फैन स्काउट भाई, स्ट्रीम करेंगे टुमारो, मोस्टली टुमारो। अभी कोई कुछ, सुनो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी कोई कुछ भी बोल रहा है अगर ना टी एक्स के लोगों के अलावा कोई कुछ भी बोल रहा है किसी का मत मानना। जो भी बोलेगा वो बंदा आके बोल देगा, जिसको भी डिसीजन लेना होगा वो बंदा आके बोलेगा, जो स्काउट भाई बोलेंगे वही सच होगा। बस जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक किसी की मत मानना। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ाते हैं, अपन बात करने वाले गॉडलाइक के बारे में। तो एडमिनो जब लाइव आए थे तो वो बात करते गॉडलाइक के ड्रॉप्स के बारे में कि बार बार गॉडलाइक के ड्रॉप्स चेंज क्यों हो रहे, कोई परमानेंट ड्रॉप नहीं बन सकता क्या गॉडलाइक का? इसी के साथ साथ बीजीएमएस के लिए क्या परमानेंट लाइनअप रहने वाली, इसके बारे में भी एडमिनो यहाँ पर बात कर रहे थे। तो उनका पूरा रिप्लाई भी आप देख लो। क्या कर सकते हैं यार, स्नाइपर लूट के मामले में बेस्ट है लेकिन जब हम जाते हैं प्रेडिक्टेबल हो जाएगा बहुत सारी टीम्स के लिए कि इनका फाइट इधर ही हो रहा है, फिर वो भी ट्रैप्स बहुत देखते हैं अपन ट्राई कर रहे हैं अभी तो चीजें, मतलब टाइम नहीं उतना ट्राई करने का, बट फिर भी एक परमानेंट ड्रॉप साउंड्स गुड बट ट्राई। जॉनी था ना कल? हाँ जॉनी था, उसकी कल उसने इतना ग्राइंड कर लिया कि पहली आईडी की लिमिट ही खत्म हो गई सुबह से खेल ही रहा था वो। एंड अपन बात करते हैं अपन मान्या के बारे में। तो मान्या के अराउंड अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत लोगों को लग रहा है कि सोल के अंदर मेजर चेंजेस होने वाले, किसी को लग रहा है चेंजेस तो हो ही रहे लेकिन बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि एडिशन भी होने वाले। तो बहुत लोग अभी टेंशन में भी है, मतलब आईक्यू सोल के थोड़े बहुत फैंस अभी टेंशन में भी है कि लाइनअप किस तरह से फॉर्म होने वाली है, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो इसी के रिगार्डिंग मान्या का हमें एक मैसेज देखने को मिला था जो कि सोल फैंस के लिए था, जिसमें उन्होंने लिखा था सोल्जर्स टेंशन मत लेना मैं सब संभाल लूंगा, ऐसा करके उनका एक मैसेज हमें देखने को मिला था। एंड अपनी वीडियो को अपन आगे बढ़ा लेते हैं, अपन बात करने वाले ग्लोबल स्पोर्ट्स के बारे में। तो कल वीसीटी स्टेज टू के हमें दो मैचेस देखने को मिले थे, जिसमें पहला मैच था पेपर एक्स एंड आरआरक्यू के बीच में, एंड सेकंड मैच था जेनजी और ग्लोबल स्पोर्ट्स के बीच में। तो जो पहला मैच था उसको पीआरएक्स ने जीत लिया था, एंड जो सेकंड मैच था जो कि था जेनजी और जीई का मैच, जो कि जीई का लास्ट मैच था इस टूर्नामेंट के अंदर, तो उसको जेनजी ने जीत लिया था 2-0 की स्कोर लाइन के साथ। एंड इसी के साथ साथ जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के यहाँ पर सफर है वीसीटी के अंदर वह यहाँ पर खत्म हुआ। एंड टू बी ऑनेस्ट पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो ग्लोबल स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं आया इस पूरे सीजन के अंदर। हाँ मतलब कुछ मोमेंट्स हमें से देखने को मिले जहाँ पर हमें दिखाई दिया था कि रोस्टर के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल है, आगे जाके अच्छी चीज़ें कर सकती, मतलब अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकती स्टेज के ऊपर, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर जो ग्लोबल स्पोर्ट्स के वैलोरेंट के फैंस है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है ग्लोबल स्पोर्ट्स की मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि अब दो सीजन हो चुके हैं ग्लोबल स्पोर्ट्स को एंड अभी तक वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया जितना उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऋषि भाई जब लाइव आए थे तो इसी बारे में पूरा बात कर रहे थे, एंड पहले भी उनको बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेयर्स लेके एक वैलोरेंट का रोस्टर बनाओ, तो यहाँ पर उन्होंने कॉम्पिटेटिव इंटीग्रिटी की बात करी थी। तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनका ऐसा कहना था कि अगर 5 इंडियन प्लेयर्स के साथ वो लाइनअप बनाएंगे तो कॉम्पिटेटिव इंटीग्रिटी खराब होगी यहाँ पर। तो इसी चीज़ को भी ऋषि भाई ने क्लैरिफाई करा था जब वो वॉच पार्टी कर रहे थे, एंड उनका पूरा रिप्लाई ग्लोबल स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस के ऊपर आप अपनी स्क्रीन पर देख लो। 11 टीम में से एट आए, दिल से क्रिटिसाइज करो। Putting themselves in a position where, or putting themselves and Genji in a position where they wanted to always take those fights, but when Genji, as mentioned, started to go for that crucial time. I know it's very emotional. Be angry. I'm not going to stop you from that, but
ये कंपेटिटिव इंटेग्रिटी जो लोग स्पैम कर रहे हैं, मैं प्लीज एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिन वजह जिन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है जो बार बार स्पैम करे जा रहे हैं, मेरा कॉन्टेक्स्ट जब मैंने वो बात कही थी ये था कि वी नॉट गोइंग टू जस्ट गेट फाइव पीपल एंड पुट देम बिकॉज दे आर इंडियन रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे प्ले, दैट इज व्हाट आई सेड, नॉट कि पांच इंडियंस लेंगे तो कंपेटिटिव इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, लाइक आई डोंट, अगर इतना भी नहीं छोड़ो मैं, एंड आल्सो यू गाइस आर एब्सोल्युटली करेक्ट, हम लोग एट आया आउट ऑफ 11, but I'm not hot-headed, I'm just being, I will tell you another thing. Wow. What he also meant was, in other people in VCLS also, they are in a team right now, all the best players on their team, why would we want to break that also first, let them be there, mid-season ye chahte stage pe jaake players aur coaches ko ghasit ke nikal do, ha that's what he meant, mid-season mein hamare nahi challengers bhi Delhi Lion chalte hai na Chhatarpur jaake, we will not do that, that's what he meant, context wohi tha, we will not pick them up middle of what they're doing right now, which they're doing good, yeah. I'll be face to face frank. We look at people also in the VCLS. We're not saying no. We look at them. We'll see how they're doing. We saw some also. But there are things which are legally binding to every team, their team, our team, everything. To move forward, it takes time. So why waste their time? Why waste our time? And maybe do better next season. What do you think? एंड अपन बात करते हैं मावी के बारे में, तो मावी जब लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि क्या आप कभी कोच बन सकते हो क्या इन फ्यूचर, तो इसका भी मावी ने रिप्लाई करा था, तो वो भी आप देख लो, फ्यूचर में आप किसी ऑर्ग में कोच का काम करोगे, लव फ्रॉम कोलकाता। सुदीप बेरा भाई, पहली बात तो देखो, मैं ज्यादा ऑर्ग चेंज करना नहीं पसंद करता, अभी तक पास्ट में मैंने जितनी भी ऑर्ग चेंज की है उसमें चेंज करने का सिर्फ एक रीजन है जो कि है बैन और या कोई इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी, फॉर मनी वाइज या फॉर किस चीज़ के लिए मैं और जल्दी जल्दी नहीं चेंज करता हूँ, और फ्यूचर प्लान अभी क्या है वो मुझे भी नहीं पता है, वो हम टाइम टू टाइम चेंज करते जाएंगे, भाई क्या बटे, ये तो गलत बात है भाई, ये आप गलत कर रहे हो मेरे को, आप और स्काउट भाई मिलकर टॉर्चर करो, निंजा बॉय को टॉर्चर करके एमवी भी बना दिया और स्काउट, अरे यार मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनत, अरे थैंक यू सो मच टी एक्स एक्सा। एंड टॉकिंग अबाउट बींग अ कोच, सरदार जी भी जब लाइव थे तो लोग उनको बोल रहे थे कि क्या इन फ्यूचर आप हमें एज अ कोच देखने को मिल सकते हो क्या, तो इस चीज पे भी उन्होंने रिप्लाई करा था, तो उनका रिप्लाई भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाइन अभी हटाओ भाई, यू कैन बी द बेस्ट कोच फॉर गॉड, लाइक आई डोंट वांट टू बी अ कोच मित्र, आई वांट टू कंटिन्यू माय कास्टिंग, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं कोचिंग करूंगा, एंड आई वोंट बी कोचिंग अ स्टार लाइनअप, क्योंकि बहुत वो आ जाएगा प्रेशर, मैं जीरो से शुरू करूंगा, अंडरडॉग लाइनअप से शुरू करूंगा वापस से, जैसे किया था मैंने, मैंने बहुत गाली दी है जिसने भी बोला है वो ब्रेक पे जा रहा है उसको, भाई मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, उसकी कुछ ब्रॉडकास्ट में भी मैंने देखे हैं चीजें, और मुझे तो किसी ने कहा था भाई, मैंने कोई स्ट्रीम नहीं देखी भाई, मुझे कहा था किसी ने। एंड अपन बात करते हैं टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स के बारे में, तो कल सारे प्लेयर्स साथ में खेल रहे थे, साथ में वो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, एंड वहाँ पर वो एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, जो लीग्स अभी चल रही है, जो चेंजेस अभी हो रहे टीम्स के अंदर, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। एंड जैसा कि हमको पता है कि बीच में बहुत बड़ी सी रूमर चल रही थी कि जो निंजा है वो सोल के अंदर जा सकते हैं, तो इस पर भी निंजा ने रिप्लाई करा था। एंड अभी बीच में एक और रूमर नहीं ये स्टार्ट हुई थी कि जो स्प्रेगॉड है वो गॉडलेक के अंदर जा सकते हैं, एंड यहाँ पर सारंग ने फनी वे में स्प्रेगॉड से पूछा था कि तू गॉडलेक क्यों जा रहा है, तो इस चीज़ का भी रिप्लाई करा था उन्होंने, एंड उनका पूरा रिप्लाई आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लीग दे दो आज स्ट्रीम पे सारंग के सारे टीम्स के, बताओ क्या लीग, बता लीग, लीग। दे सब लीग दे भाई, ये लोग पूरा अलग ही दिमाग खराब कर रहे हैं ना ट्विटर पे, देखा है ना भाई, एक सीधा लीग दे दो और भाई, मत जा भाई, तो सोल क्यों जा रहे निंजा, कुछ नहीं होगा तो जीत के, मत जा भाई, मेरे को मत जा यार, स्प्रे तो गॉडल क्या करूं, ठीक है पहले तो गॉडल क्यों जा रहा है, लेकिन ये तो बता कोई दो दो एक आई गॉट सप्लाइज, क्यों क्यों भाई, नहीं थोड़ा गेम अच्छा है मेरा, तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है क्या, ब्रूटल है भाई, तो खतरनाक है भाई, तो पर तू सोल क्यों जा रहा था बीच में, तो बता भाई, मैं तो कहां ही जा रहा था बच्ची, मैं सारंग हाँ क्यों जा रहा था, सोल जा रहा था ना बीच में, क्यों जा रहा था ये तो बता भाई, अगर मैं पहले जा रहा हो रहा था कहीं तो मैं चला जाता ना सीधा, देख आज अगर तू जाता आज सस्टक हो रहा था तो फिर कुछ फायदा होता नहीं भाई, ऐसा क्यों भाई, जिता देता ऐसा बोल रहा है, तो बोले जिता देता, मैं तो जीत गया ही नहीं था ना भाई, कैसे जिता देता ऐसा बोलता।
एंड जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मोगेम्बो का रिप्लाई दिखाया था एंड अभी आपको TX प्लेयर्स का रिप्लाई दिखाया है एंड वहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि TX के अंदर कोई भी चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे एंड अब देखते हैं आगे क्या हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। तो सिड भाई का भी हमें एक स्टेटमेंट देखने को मिला था जो अभी सोल के अराउंड था, मतलब सोल के अराउंड जो चीज़ें चल रही उसके बारे में था, जिस पर उन्होंने लिखा था, लेट मी टेल यू समथिंग, आई हैव एब्सोल्यूट फेथ इन माय IGL मान्या एंड आई होप यू डू टू। वो करेगा बड़ा कुछ अपनी लाइफ में, ऐसी वाली वाइब आती है। यहाँ पर सिड भाई का भी यही कहना है कि उनको अपने IGL मानने में पूरा भरोसा है एंड वो कुछ अच्छा ही करेंगे फ्यूचर के अंदर। एंड अपनी वीडियो को अपन खत्म कर लेते हैं नियो की न्यूज़ के साथ। तो नियो का कल हमें फाइनली एक स्टेटमेंट देखने को मिला था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि उनको अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है एंड उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए, लेकिन कल उन्होंने एक पोस्ट जाती जिसके नीचे उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिले। तो उन्होंने बताया था कि उनको उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आया, उनको ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली उस चीज़ों से। उन्होंने बताया था कि उनसे जो गलती हुई थी वो वापस फ्यूचर में बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे उस चीज़ को एंड उसके लिए सॉरी, ऐसा करके उन्होंने एक पूरी स्टोरी डाली थी जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड उन्होंने आगे भी बताया था कि वो 10th जुलाई को स्ट्रीम करने वाले एंड अब वो 10th ऑफ जुलाई को स्ट्रीम करने वाले, तो होपफुली हमें आगे और रिप्लाईज देखने को मिलेंगे उनकी तरफ से एंड पूरा क्लैरिफिकेशन भी इस मैटर पर देखने को मिलेगा। एंड अपनी आज की वीडियो कर लेते हैं पर खत्म। आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अपनी अगली वीडियो में।